हेलो दोस्तों, वेलकम टू AVKS एकेडमी। आज मैं आपके सामने ये इम्प्रेसिव एसे और डिफेंस न्यूज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, और के उसके साथ एसे टॉपिक्स और आर्गुमेंट के टॉपिक्स भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, एसे रेटिंग, दोस्तों हमको एसे रेटिंग कैसे लिखना पता है, एसे रेटिंग का फॉर्मेट हमको पता है, लेकिन एसे रेटिंग का किक स्टार्ट कैसे देना चाहिए, किक स्टार्ट, ठीक है। किक स्टार्ट मतलब ग्रामेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रामेटिकली उसको प्रोफेशनली कैसे बना सकते हैं, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों आज। देखो दोस्तों, आपके आपके और दूसरे बंदे के बीच में फ़र्क क्या होता है दोस्तों, कि प्रोफेशनलिटी, ठीक है। अगर आप ये ग्रामेटिकली फॉलो करोगे, ये ग्रामेटिकली ऐसे आप ओपनिंग कैसे करना है, तो इंट्रोडक्शन पॉइंट कैसे देना है, कंक्लूजन कैसे देना है, एग्जाम्पल लिखते वक्त कैसे लिखना चाहिए स्टार्टिंग, अगर ऐसा आप ऐसा करोगे तो क्या होता है कि आपके और दूसरे कैंडिडेट के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। जब डिफरेंस क्रिएट हो गया मतलब आपको उससे ज़्यादा मार्क्स आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस। सो प्लीज़ आप ये पॉइंट्स एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्ज़ाम के पहले एक बार देख लीजिए कैसे लिख सकते हैं ये सब में। ये जो पॉइंट्स है क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार आप लिखना चाहिए, ठीक है। देखो ओपनिंग कैसा कर सकते हैं, इट इज़ ऑफन सेड दैट, नहीं तो इन इन दिस डे एंड एज नाउ इट इज़, ऐसा लिख सकते हैं, वी लिव इन द एज व्हेन मेनी ऑफ अस आर, मतलब ऐसा आप स्टार्ट कर सकते हो, ग्रामेटिकली ऐसा आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे स्टार्ट करने से क्या होता है कि आपका ऐसे प्रोफेशनल दिखने लगता है, प्रोफेशनल, जैसा कि आप प्रोफेशनली जो ऐसे लिख रहा हो ऐसा लिखना स्टार्ट करते हैं, तो एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स देने का आपका 99% चांस होता है, ठीक है दोस्तों। और इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट्स आप कैसे लिख सकते हो, प्लीज़ आप ये पूरा एक स्नैप ले लीजिए, ट्राई मतलब जो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे वक्त मैं यहाँ पे क्या पॉइंट, ये इसमें से कौन सा पॉइंट ले सकता हूँ, प्लीज़ वो सब देख लीजिए। कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देते वक्त एग्जाम्पल आप कैसा दे सकते हो, स्टार्टिंग आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट मत भूलना, क्योंकि एसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एसे आपका ठीक से चला गया मतलब सोच लो कि पेपर टू आपका क्लियर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ठीक है, टॉपिक्स आप क्या, मैं फ़िलहाल अभी देखो, मेक ए बोल्ड प्रेडिक्शन अबाउट समथिंग अबाउट ईयर 2020 दैट नो वन कैन एल्स प्रेडिक्ट अबाउट, ये सब ऐसे मैं ये दी हिंदू एडिटोरियल से लिया हूँ दोस्तों। तो एक बार आप इसका मेन मेन पॉइंट्स साइड साइड में लिख लीजिएगा, ये देखो EVM के बारे में ये है, और द नीड ऑफ लैटरल एंट्री इन द सिविल सर्विसेज, इंडिया नीड स्ट्रॉन्ग डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर्स, इंटरनल इनसिक्योरिटी है वो, सिक्योरिटी नहीं इनसिक्योरिटी, और इंडिया है, इंडिया बैडली नीड्स पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, इम्पॉर्टेंट लेसन्स फॉर द स्मार्ट सिटीज मिशन, ओके, द हैजार्ड्स ऑफ फार्म लोन वॉरिज, प्राइवेट एजुकेशन वर्सेस गवर्नमेंट एजुकेशन, मतलब इंस्टीट्यूशंस के बारे में उसमें अंतर क्या है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के बारे में, ये सब कॉमन जनरल इशू टॉपिक्स है दोस्तों। एक बार आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ट्राई देख लेना एक बार। उसके बाद आर्गुमेंट के टॉपिक्स, न्यूक्लियर पावर शुड बी बैंड, इसके ऊपर आप क्या आर्ग्यू कर सकते हो, और एनिमल्स शुड बी बैंड फ्रॉम सर्कसेस, अब इसके ऊपर क्या दे सकते हो, इंडिविजुअल्स हु डोंट वोट शुड हैव देयर वोट राइट्स रिवोक, ठीक है, प्रोफेशनल अथॉरिटीज सैलरी शुड बी कैप्ड, ऑल ज्यूज शुड बी क्लोज्ड, इज आवर पोलिटिकल सिस्टम करेक्ट, डू वी नीड आवर मेट्रो प्रोजेक्ट्स, मतलब ये जो ये सब आप दे सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल मतलब थोड़ा पॉइंट्स एक बार ये टॉपिक्स पूरा देख लेना, ये जनरल टॉपिक्स है, जनरल इश्यूज है सब। और जब डिफेंस इश्यू के बारे में आ जाएंगे दोस्तों, ये देखो, फर्स्ट 16 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन पाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है, तो क्या ये देखो, ये 16 कंट्रीज है, नेपाल, UK, इसमें इंडिया नहीं है दोस्तों, ठीक से देख लेना, ये 16 कंट्रीज है, और उसके बारे में देख लेना क्या है वो, क्या है पाकिस्तान, वो कब स्टार्ट हुआ, देखो October 18, 2016 इन लाहौर, ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कहाँ स्टार्ट हुआ लाहौर, ये तो डेट इंपॉर्टेंट होता है। तो कंट्रीज़ आप याद कर लेना दोस्तों, कंट्रीज़, क्योंकि आपको ऑप्शन दे सकता है, 4-5 कंट्री दे सकता है, उसमें 2-3 कंट्री ऑप्शनल में ऐसा दे सकते हो, सो आप ये सब देख लेना। और देखो, इंडियाज़ ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स, द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन BSF तनुश्री परेख राजस्थान से, ठीक है, CRPF केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन 27 जुलाई
1939, CSF कब में 1969 पर, SSB 1963, NSG 1986, ऐसे ही CRPF बोल रहा हूँ क्या, BSF के बारे में, ITBF वन तो देख लेना दोस्तों। जो भी पैरामिलिट्री के बारे में है बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिफेंस करंट अफेयर्स में, CAPF एग्ज़ाम देखो। उसके बाद द मेड्रास रेजिमेंट इज़ द इन एन इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ट्रेसिंग इट्स ऑरिजिन्स टू यूनिट्स कन्फर्म्ड इन 1750s। तो मेड्रास रेजिमेंट हो, ये ओल्डेस्ट रेजिमेंट है इंडियन आर्मी का, मेड्रास रेजिमेंट करके, मेड्रास रेजिमेंट ओल्डेस्ट रेजिमेंट है, ठीक है, ये भी एक देख लेना। हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन बटालियन, एक बटालियन में कितने सोल्जर्स रहते हैं, 300 से लेके 800 सोल्जर्स तक, ये सब पढ़ लेना दोस्तों। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, CAPF रैंक्स, आर्मी रैंक्स, पुलिस रैंक्स भी इसमें छोड़ दो, आर्मी रैंक्स, नेवी रैंक्स, एयरफोर्स रैंक्स, कोस्ट गार्ड रैंक्स, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। कोस्ट गार्ड और ये CAPF मैक्सिमम सेम होता है, लेकिन ये आर्मी रैंक्स, नेवी रैंक्स एक बार देख लीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट, पावरफुल एमओ डेवलप्ड फॉर अर्जुन टैंक बाय DRDO, इसका पॉइंट्स पूरा देख लेना दोस्तों, इसका पॉइंट्स जो जो है। और इंडिया एंड जापान जॉइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, और ये भी इसका पॉइंट्स भी जो यहाँ पे दिया है वो सब पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। ये प्लेस तमिलनाडु में हुआ था, इन बे ऑफ बंगाल, ये सब, ये प्लेस मेन इंपॉर्टेंट है, प्लेस इंपॉर्टेंट होता है, डेट्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो उसके बारे में देख लेना। और इंडिया फ्रेंड्स मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2016, इसके बारे में देख लो दोस्तों। और ये डेट्स देख लो, देन ये सब आप प्लीज़ रिफ़र कर लीजिए। और ये वाला भी, इंडियन MFI हेलीकॉप्टर सेंट टू जॉइन अफगान एयरफोर्स, ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। और ए बी डी आई पी गिव्स नोट टू सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क एट उट्टपालम, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। वो कहाँ पे उट्टपालम, कहाँ पे, केरला पे, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, कहाँ पे सेट हुआ, तो केरला पे, तो प्लेस का नाम क्या, उट्टपालम, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है डिफेंस के ऊपर। सो इंडिया जॉइंड इन कोबरा गोल्ड 2016 मल्टी लैटरल एक्सरसाइज, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, थाईलैंड पे हुआ था, तो ये सब प्लेस, ठीक है। और ये कोबरा गोल्ड मतलब क्या होता है, उसका थीम क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये सब आप थोड़ा रिफ़र कर लीजिएगा। नेवी शोकेजेस बायोडीजल रन पेट्रोल क्राफ्ट, ये कहाँ पे, विशाखापट्टनम, इंडियन फ्लीट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, ये कब हुआ था, उसका डेट भी आप देख लीजिएगा, विशाखापट्टनम में हुआ था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पे आप कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे उसका भी नाम लिख लेना, उसका भी नाम थोड़ा नेम्स याद कर लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ निदार, इंडियाज़ लाइटेस्ट रिवॉल्वर, ठीक है, ये निदार है, लाइटेस्ट रिवॉल्वर है उसका, ये भी देख लीजिए। इट कैन फायर अप टू 7 meters, 40.33 बैरल लेंथ, ये तो ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है सो दोस्तों। देखो यहाँ पे प्लेस भी दिया है सब, ये प्लेस पूरा आपको, प्लेस डेट वो सब मेनली याद करना पड़ता है। और अभी इंडिजिनसली डेवलप्ड पृथ्वी 2 मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड, कहाँ पे, चंदीपुर उड़ीसा पे, ठीक है। और उसके स्पेसिफिकेशन देख लेना, कैरिंग 500 kg, 2000 kg, ठीक है, इट हैज़ ए स्ट्राइक रेंज ऑफ 350 kilometers, ये सब देख लेना, ठीक है। और ब्रिटिश एंड इंडियन नेवी एक्सरसाइज कौन खा 2016 बिगिन एट मुंबई, ठीक है, मुंबई कब, December 5 मुंबई में, December 5 2016 मुंबई, ठीक है। देखो आर्मी लॉन्च स्कूल ऑपरेशन इन कश्मीर, ये किसके लिए लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा।
अबाउट पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में पढ़ लीजिए। पृथ्वी आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और ये नेवी के बीच में, मतलब पृथ्वी वन इंडियन आर्मी के लिए, पृथ्वी टू इंडियन एयरफोर्स, पृथ्वी थ्री इंडियन नेवी, आप ये सब पॉइंट देख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, दोस्तों इसके अलावा आप क्या देख सकते हो डिफेंस के बारे में? तो DRDO में कोई अचीवमेंट्स हुआ है तो वो सब, ये सब मैं जो दिया हूँ वो DRDO का है मेनली। ठीक है दोस्तों, सो इसरो के बारे में, इसरो में जो रॉकेट्स लॉन्चेस रॉकेट लॉन्चेस हुए थे उसके बारे में, DRDO के बारे में, ठीक, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। नहीं, आपको पढ़ना ही है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये सब, और पैरामिलिट्री के बारे में पढ़ लो, CASF के बारे में पढ़ लो, BASF के बारे में पढ़ लो, ठीक है, असम राइफ़ल्स के बारे में पढ़ लो, NSG के बारे में पढ़ लो, हाँ इसके बारे में क्या क्या ऊपर ऊपर पढ़ लो, उनका ड्यूटीज़ क्या हो सकता है, हाँ वो सब पढ़ लो। ठीक है, और क्या देख सकते हो? और करंट अफेयर्स में आप क्या देख सकते हो? करंट अफेयर्स में ऑथर नेम्स, बुक्स ऑथर नेम्स, ठीक है, और ये ओलंपिक्स हुआ था ना, ओलंपिक्स के बारे में जो जो विनर्स है उनका नाम भी पढ़ लो। ठीक है, गोल्ड विनर्स है तो ये, और पीवी सिंधु, ये सब आपको जनरल टॉपिक्स है दोस्तों, ये सब देख लेना। दोस्तों बस इतना ही, ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम ठीक से लिखना, स्ट्रेस मत लेना आपके ऊपर, ठीक है। और पक्का ये जो मैं बताया हूँ ऐसे के बारे में, वो पॉइंट्स पक्का याद करना, श्योरली मैं डैम श्योर बता रहा हूँ कि आपको ऐसा लिखने पर ज़्यादा मार्क्स आने का बहुत 99% चांस है दोस्तों, सो प्लीज़। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एस्पिरेंट्स, ऑल द बेस्ट।